सफल मूरत सफला कड़ी जित सच्चे नाल प्यार दुख संताप न लगई जिस हर का नाम आधार। गुरमुख प्यारियो गुरबाणी कथा चमत्कार चैनल सबसक्राइब कर लियो ते वीडियो नू शेयर करियो जी, लाइक ते कमेंट भी करियो ते बैल आइकन नू जरूर प्रेस कर लियो तां जो हर एक नवी अपडेट तुहाडे तक सब तो पहला पहुँच सके। तो सारयां दा फिर तो धन्नवाद। ते जो अज गल बेनती जिहड़ी है खास तौर ते आपां समझण दा यतन करना है, गुरमुखो थोड़ा जिहा मन नूं एकाग्रत करके इस मेरी बेनती नूं जरूर समझियो, क्योंकि जो भरम भुलेखे साडे विच पए होए ने, कहिंदे ने जी औरतां नूं इस तरह इशनान नहीं करना चाहीदा, बहुत सारी बर्बादी हो सकती है, जीआं दी मौत भी हो सकती है। इहदा असल सच की है, जो इह सच जिहड़ा है आपां सामने रखना है गुरबाणी की रोशनी विच रह के। ते पातशाह मेहरा करन जी फतेह बुलाओ, आरंभदा करिए जी, आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुखो सतगुरु ने कृपा की, पातशाह ने मेहर की। गुरमुखो जिहड़ी मैं गल करनी है ना, क्योंकि औरत का सत्कार बड़ा जरूरी है। गुरमुखो गुरु नानक पातशाह ने औरत का सत्कार किया। जे सत्कार की गल करनी हो, सत्कार सीखना हो तो गुरु नानक पातशाह तो सीखो। गुरमुखो गुरु नानक पातशाह ने जिन्ना औरत का सत्कार किया, बीबिया सन्मान दिता, उन्हें किसी ने नहीं दिता। औरत नूं पैर दी जुत्ती समझण वाले लोग, औरत नूं नीवा दर्जा देण वाले लोग, औरत नूं अपनी हवस दा शिकार बनाउण वाले लोग, अपनी हवस दी भुख नूं मिटाउण वाले लोग, जिहड़े इस कदर औरत नूं समझदे सी, गुरमुखो गुरु नानक पातशाह ने करारी शब्द दी चपेड़ मारी उन्हां लोकां दे मूँह ते, उन्हां नूं आख दित्ता कि तुसीं इह जिहड़ी सोच है ना, तुहाडी सोच बिल्कुल गलत है। सो क्यों मंदा आखी है जित जम है राजान। होस्पिटलों के उपर ये पंक्ति तुहानू लिखी हुई मिल जूगी, होस्पिटलों दीआं परचियां ते सब कासे ये चीज़ जिहड़ी है तुहानू ये गुरबाणी की पंक्ति पढ़न नू सुनन नू आम मिल जूगी। पर वेखो इहदा असल भाव की है, कदे किसे ने पढ़िया? इहदी असल जिहड़ी अंदरली मनोरथ वाह है, कदे किसे ने पढ़िया? गुरमुखो गुरु नानक पातशाह ने औरत जाति नूं बहुत बड़ा सन्मान दिता। गुरु नानक पातशाह की गल कर लिए, गुरु अमरदास पातशाह की गल कर लिए, गुरु अमरदास पातशाह तीसरे पातशाह ने सती की प्रथा नूं खत्म कर दिता जी। जिहदा घर वाला औरत का मर जांदा सी ना, उहनूं नाल सती होना पैंदा सी, भाव कि मच की अग विच वलदे सिवे दे विच उस औरत नूं आप खुद ज्यौंदी नूं जलना पैंदा सी। पर गुरु नानक पातशाह तो लैके ते तीसरे पातशाह गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने वो जिहड़ी प्रथा सी उहनूं खंडन कर दिता, कहिंदे ये नहीं हो सकता, ये नहीं, सिधांतां दे खिलाफ है, औरत जाति दा अपमान है ये। गुरमुखो उस तो बाद जे गल करिए भी गुरु घर की मर्यादा दे अनुसार गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तक जिहड़ा ये सन्मान बरकरार रहा, ते अज जागत जोत हाजरा हजूर धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी बाणी भी औरत जाति दा सत्कार करती है। मैं गल जिहड़ी तां कर रहा, क्योंकि वो जिहड़ी गल आपां शुरू करनी है ना, उहनूं समझण दे लई इह कंसैप्ट जिहड़ा समझना बड़ा जरूरी है, नहीं तां फिर दो चित्ती जी मन विच पै जांदी है। गुरु तेग बहादुर पातशाह ने माइयां रब रजाइयां दा खिताब दे दिता, हुण पिछे की रह गया जी? पिछे ते कुछ भी नहीं रहा। गुरमुखो कुछ गल्लां होंदियां ने जो समझण लई अत जरूरी बनदियां ने, पर उहनां नूं समझिया नहीं जांदा, गल ते इत्थे ज रुक जांदी आ के समझिया नहीं जांदा। बस समयां दे विच ना पिछे जिहड़े समें लंघे ने, उहनां समयां विच ना औरत नूं बहुत ज़्यादा डर प्रभाव दे थल्ले रखिया जांदा सी। मूँह तो कपड़ा नहीं चुकना, इन्ने बजे तो बाहर नहीं निकलना, आ चीज़ खानी है आ नहीं खानी, इस वक्त तू नहाना नहीं है, इस वक्त तू नहाना है नहीं नहाना, यह भी तय किया जाता सी। औरत ने की पहनना यह भी तय किया जाता सी। औरत ने मर्द की मर्जी तो बिना घर की दहलीज तो पार पैर भी नहीं रखना,
औरत ने मर्द तो पिछे पिछे तुरना है जे रस्ते भी जाना यहोजियां गल्लां जिहड़ियां सी ओह सामने आउंदियां ने पुराने साहित्यकारां दे विचों। औरत ने इस वक्त नहाना है, इस वक्त नहीं नहाना है, औरत ने किसी इशनान किहड़े दिन करना है, ये भी जिहड़े उहनूं तय करके दित्ते होए सी दिन कि औरत ने भाव सारा जिहड़ा इत्थे गल आके ढुकदी है वी औरत अपनी मर्जी तो बिना सह भी नहीं सी लै सकदी। इहो जिहे समें जिहड़े लंघे ने साडे उपरों दी, पर गुरमुखो जिहड़ी गल है ना वी औरत नूं इस तरह नहीं नहाउणा चाहीदा, ये उन्हां चीज़ां दे विचों वार्ता मैं चुकी है जिहड़ी पुराने। तो जे गल करिए ना चाणकिया, चाणकिया राजनीति दी, उहदे विच औरत नूं सिर्फ ते सिर्फ एक भोग वासना तक सीमित रखिया गया, मर्द नूं प्रधानता दित्ती गई, औरत जाति नूं नीवां रखिया गया, औरत दे बराबर जिहड़ा आ दर्जा किसे नूं नहीं दित्ता गया क्योंकि औरत नूं सब तो नीवां रखिया गया, मर्द नूं सब तो उपर रखिया गया, मर्द नूं प्रधानता दित्ती ते नारी जाति नूं नीवां रखिया गया। नारी जाति नूं इस बस इन्ना कु रखिया भी एक घर दे काम कार करे ते बंदे अपने दी मर्द दी सेवा करे ते बस उहदे मुताबक जीवे ते उहदे मुताबक ही मरजे, बस इन्नी कु ज़्यादा इहनूं खुल सी, इहदों बाद होर कुछ नहीं। इह नारी जाति दा सब तो वड्डा एक इहो जिहा पाठ है जिंदगी दा जिहनूं आपां ने हुण तक सुणिया ही आ देखिया नहीं, पर उन्हां ग्रंथां नूं कदे पढ़िओ कि नारी जाति नूं किन्ना ज़्यादा कुछ सहना पिया। एक औरत जे अपने मुख तो पर्दा चुक भी लैंदी सी ना उहनूं एक सज़ा लाई जांदी सी, सज़ा लाई जांदी सी उसनूं। औरत जाति पहलां हुण घरां दे विच अपने पखाने बने हुंदे, पहलां जा के ना बाहर बने होंदे सी सिस्टम जिवें होंदे ने तालाब वगैरह छप्पड़ वगैरह, उन्हां च जाके इशनान करना पैंदा सी, सदियां पहलां दी उह है। ते मर्द लोग उत्थे आउंदे ते औरत जाति नूं अपनी गंदी निगाह दे नाल ताड़दे ते हबस दा शिकार बनाउंदे, ये पुरानियां रवायतां सी। ते उस वक्त औरत नूं कहा जांदा सी तू अपना मूँह बंद रख, तैं किसी नूं गल नहीं दसनी, औरत नूं लाचार ते मजबूर बनाया जांदा सी उस वक्त ते। तो ये गल होगी जी उन्हां समयां दी, हुण इत्थे जो समझ लिओ जो मैं कहना चाहुंदा, अज दे समें विच भी कुछ अजिहे बंदे हैगे ने उही जी सोच नूं, अज भावें 21वीं सदी विच चल के आ गए पर प्यारिओ वो सोच जिहड़ी है ना वो सोच अज किते ना किते कुछ बंदे लै के बैठे ने। औरत ने इस तरह नहीं नहाउणा जी, घर दीआं बीबीआं भी सोच रखदीआं ने आह वक्त नहीं नहाउणा, आह दिन नहीं नहाउणा, आह कम तूं ऐ नहीं करना, ओह नहीं करना, खाणा पीणा भी ये वो, आ नहीं पहनना, ओ नहीं पहनना। मैं यही नहीं कहिंदा कि आपां अकल ना दिओ, सिक्ख्या ना दिओ, वड्डियां दा फर्ज़ बनता है कि चंगे रस्ते ते तोरना, पर यह कोई गल ना ना होई कि बंदे दी आज़ादी खोल हो जाए। आपां पुरानियां रवायतां नूं मन के वहम भरमां विच करिए ठीक है, चंगी मत दिओ, पर वहम मन के जे मत दे रहे ना तो उहदे विच आपां भी कोई सियाणप नहीं कर रहे, ये याद रखियो। मैं जिहड़ी गल कर रहा भी औरत दा अज जे आज़ाद होना होया तो वह सिर्फ गुरु नानक पातशाह तो लैके 10 पातशाहियां दी देन है जी। अज वड्डी जिहड़ी गल दा हाँ दा नारा मारदे ने गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जागत जोत हाजरा हजूर गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह, पातशाह तो अज भी कहिंदे ने सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मै राजान। आ औरत जाति दा सन्मान करना सिखो जिहदी कुखों पता नहीं किन्ने वड्डे राजे महाराजे भी जन्म लैके इस धरती दे उपर राज कर गए। औरत तो बिना संसार अधूरा है, औरत तो बिना संसार की प्रकृति जिहड़ी है अगे नहीं वध सकती। इस करके पातशाह ने बाणी विचों कहा जैसे मां ते पिता बिन बाल ना होई, औरत ते मर्द दे सुमेल तो बिना, मां प्यो दे सुमेल तो बिना बच्चे का जन्म नहीं हो सकता, ये भी एक प्रकृति का नेम है। तो इस पासे भी सतगुरु ने साडा ध्यान दवाया। तो गल जिहड़ी है इत्थे आके रुक जांदी है जी, अपनी सोच नूं निर्मल करो, पातशाह नाल जुड़ो, वहिमां भरमां दा ख्याल छड्ड के गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे वल हो जाओ, क्योंकि पातशाह ने औरत जाति दा सन्मान भी सिखाया ते पातशाह ने सानूं गुरमरजादा भी सिखाई है, ते पातशाह ने रिश्तियां नूं किवें निभाउणा ये भी सिखाया, ते अपने आप नूं किवें चलाउणा है मेरे सतगुरु ने ये भी सानूं बाखूबी तरीके नाल दस्सिया। प्यारिओ इस करके गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह नाल जुड़िए, औरत जाति दा सन्मान करिए,
सन्मान करके अपने जीवन दे विच आपां वाह वाह खटीए। बस इन्हां को बेनतियां प्रवान करनियां जी। वीडियो नूं शेयर करियो जी। सारयां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।